वेलकम टू मैथिक्सिस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के ICSE क्लास 9 वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के ICSE क्लास 9 के चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, यह जो क्वेश्चन है ML अग्रवाल बुक का है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इन द गिवन फिगर AD इज द मीडियन ऑफ ट्रेंगल ABC, BM एंड CN आर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम B एंड C रेस्पेक्टिवली ऑन AD एंड AD प्रोड्यूस टू C, देन प्रूफ डैट BM इक्वल्स टू CN। हमें प्रूफ करना है कि जो ये गिवन फिगर है इसमें हमें प्रूफ करना है कि जो BM लाइन है वो किसके इक्वल है, CN के इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 यह आपके एक कह सकते हो कि थिंकिंग वाले क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने उसका सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना क्या है कि पहले हमें इसमें क्या करना होगा कि पहले हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पहले तो हमें क्या करना है कि पहले हमें इसमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। वो दो ट्रायंगल्स हमारे कौन कौन से होंगे, तो ट्रायंगल BMD एंड ट्रायंगल CND। इन दो ट्रायंगल्स को हम लेंगे और इनको पहले हम क्या करेंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। और इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि जो BN लाइन है वो किसके इक्वल है, CN के इक्वल है। तो एक बार दोबारा मैं आप सभी को क्वेश्चन बताना चाहूँगा। इसमें हमें क्या दिया है कि AD जो हमारा है, AD क्या है हमारा, तो मीडियन है ऑफ ट्रेंगल ABC का, और BM और CN क्या है, तो परपेंडिकुलर्स हैं। तो अगर हम लोग इस फिगर को ड्रॉ करें, क्वेश्चन नंबर 4 के अगर हम फिगर को ड्रॉ कर लें तो कुछ हमें इस टाइप के फिगर दिए गए हैं। AD हमारा मीडियन है, ठीक है। देखो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ ऐसा फिगर हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये दो लाइंस हैं। हमें क्या बताया गया कि ये और ये परपेंडिकुलर्स हैं। नाम इसका दे रखा है ABCN एंड D, और ये हमारा क्या है, M है। अब क्योंकि AD हमारा मीडियन है, AD हमारा क्या है, ये हमारा जो AD है मीडियन है, तो BD इक्वल टू क्या होगा, CD होगा। और ये हमें दे रखा है कि BM लाइन AD के परपेंडिकुलर है और CN लाइन भी AD के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पहले इनको हमें आपस में क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो हम कैसे कर पाएंगे कि इन ट्रायंगल BMD एंड ट्रायंगल CND हम क्या लिख पाएंगे कि एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल N, रीजन क्या होगा, ईच 90 डिग्री। एंड हमें क्या गिवन है कि BD इज इक्वल्स टू में CD, ये क्या है, गिवन है। रीजन क्या होगा कि सिंस AD इज द मीडियन। तो ये हमें गिवन है कि आपस में इक्वल होंगे। एंड हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये वाला एंगल है, ये एंगल BDM किसके इक्वल होगा, CND के। एंगल BDM इज इक्वल्स टू एंगल CDN। आप देख लो जो आपका ये एंगल है, एंगल जो हमारा है, ये एंगल BDM इज इक्वल्स टू एंगल CDM होगा। रीजन क्या होगा आपका, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसलिए हम क्या कह पाएंगे कि ट्रायंगल BMD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CND। रीजन क्या होगा, एंगल एंगल साइड। और CPCT में हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या प्रूफ करना था कि BM इक्वल्स टू CN। तो हमें क्या मिलेगा, BM इज इक्वल्स टू CN बाई CPCT। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है कि इन द गिवन फिगर BM एंड DN आर परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट AC। इफ BM इक्वल्स टू DN, हमें क्या दे रखा है कि जो BM लाइन है वो DN के इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है AC बाइसेक्ट BD। हमें क्या प्रूफ करना है, जो AC है वो BD को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो
तो इसको हम कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें कि पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लें। तो फिगर हमें देखो आप लोग कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि ये हमारा एक फिगर हमें कैसा दिया है। तो फिगर हमें कुछ ऐसा दिया गया है कि फिगर में हमें कुछ ऐसे दिया गया है, फिगर हमें दे रखा है कि ए सी डायगनल है और ये बी डी भी क्या है हमारा डायगनल है, और हमें दे रखा है कि जो डी एन है और ये बी एम, डी एन और बी एम परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है, डी एन और बी एम परपेंडिकुलर्स हैं, और इसका हमें नाम दे रखा है ए बी सी एन डी। और बोला गया कि ये डी एन आपका परपेंडिकुलर है और बी एम भी परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट आपका ओ है, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि बी एम जो है डी एन के इक्वल है। बी एम किसके इक्वल है? डी एन के। तो हमें शो करना है कि हमें क्या शो करना है, हमसे पूछा गया कि सो डैट ए सी बाइसेक्ट्स बी डी, हमें ये शो करना है कि सो डैट ए सी बाइसेक्ट बी डी। तो ये शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले ट्रायंगल ट्रायंगल डी एन ओ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा ट्रायंगल बी एन ओ के साथ। इन दोनों को पहले हमें आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसमें हमें देखो क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि बी एम किसके इक्वल है, सॉरी हमें दे रखा है कि जो डी एन है वो बी एम के इक्वल है, एंगल एम हमारा, ये जो एंगल एम है वो एंगल एन के इक्वल है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं एंगल एन इज इक्वल टू एंगल एम, गिवन है इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री। एंड हमें क्या दे रखा है कि यह एंगल जो आपका ये वाला एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या होगा? तो हम एंगल डी ओ एन इज इक्वल टू होगा एंगल बी ओ एम, रीजन सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड हमें गिवन है कि जो डी एन लाइन है वो किसके इक्वल है, बी एम के इक्वल है, डी एन इज इक्वल टू बी एम, एक ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, आप देख लो कि डी एन किस बी एम इक्वल टू डी एन आर परपेंडिकुलर टू द लाइन ए सी इफ बी एम इक्वल टू डी एन आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम क्या कह पाएंगे कि ट्रैंगल डी एन ओ इज कॉन्ग्रुएंट ट्रैंगल बी एम ओ बाई एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड दोनों ट्रेंगल्स क्या होंगे हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें सी पी सी टी में क्या मिल जाएगा कि डी ओ इज इक्वल टू ओ बी बाई सी पी सी टी। अब सी पी सी टी का मतलब तो आपको पता ही होगा, कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हमें शो क्या करना था कि जो हमारा ए सी है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बी डी को। तो सिंस सिंस डी ओ इज एंड इज इक्वल टू ओ बी देयर फॉर ए सी बाइसेक्ट्स बी डी, ये हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि इन द गिवन फिगर लाइन एल एंड एम आर टू पैरल लाइन्स इंटरसेक्टेड बाई अनदर पेयर ऑफ पैरल लाइन्स पी एंड क्यू, द सो डैट कि हमें शो करना है कि ट्रेंगल ए बी सी कॉन्वेंट है ट्रेंगल सी डी ए के। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे ताकि समझने में ईजी हो। तो इसमें दो लाइन्स दिए गए, लाइन एल ये आपका लाइन एल है, एल एंड एम है, और ये आपके दो लाइन्स पी एंड क्यू हैं, लाइन्स पी एंड क्यू। यहाँ हमें दे रखा है ए बी सी एंड डी, और ये ए सी को ज्वाइन किया गया, ऐसा कुछ हमें फिगर दिया गया है, और हमें क्या बोला गया है कि लाइन एल पैरेलल है एम के और पी पैरेलल है क्यू के। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, ये आपको प्रूफ करना है। देखो कैसे हम सिंपली कर सकते हैं, हम स्टार्ट करेंगे इसको कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, सिंपली हम इसको ऐसे नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं।
अब यहाँ हमें मिलने क्या वाला है कि यह वाला एंगल एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल सी डी ए के, ठीक है। तो हम सिंपली लिखेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, एंगल डी ए सी। रीज़न क्या होगा, तो अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंड दोबारा हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा यह वाला एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम क्या नोट कर सकते हैं कि ए सी इक्वल्स टू ए सी दोनों ही ट्रेंगल में जो लाइन है क्या है, कॉमन है। अब ये कॉमन क्यों है, इसको आप ऐसे समझ लो कि हम ट्रेंगल बी ए सी फॉर्म करें या फिर हम ट्रेंगल डी सी ए फॉर्म करें, दोनों ही केस में हमें ए सी लाइन को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा दोनों ही ट्रेंगल में। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ए सी है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। एंड जो हमारा यह वाला एंगल है, एंगल बी सी ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी सी ए के, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू में एंगल डी सी ए। ये भी क्या होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना था, अप्रूव्ड हो गया। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।